नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। चंद्रयान 2 की 22 जुलाई को लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया था। यह मिशन लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसी बीच चंद्रयान में लगे स्पेशल कैमरे से पृथ्वी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भेजी गई हैं। यहाँ देखें इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें 3 अगस्त को ली गई हैं। यह तस्वीर भी LI-4 कैमरे से 3 अगस्त को ली गई है। बता दें कि भारत का चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी सतह पर उतरेगा। इस प्रकार भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो कि चांद के दक्षिणी सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख के सीवन ने कहा था कि यह भारत की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत है। वहीं इसरो ने कहा कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ गया चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने से पहले 15 महत्वपूर्ण अभियान चरणों से गुजरेगा। चंद्रयान 2 के सितंबर महीने के पहले सप्ताह में चांद पर उतरने की उम्मीद है। चंद्रमा की ओर भारत की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत कई मायनों में बहुत खास है। इसरो चीफ के सीवन ने बताया था कि इस मिशन से चांद की सतह पर कई रहस्य खुलने की उम्मीद है। भारत ने चंद्रयान 2 के लिए जियोस्कोर्सिंग लॉन्च व्हीकल यानी GSLV मार्क 3 MP-1 का इस्तेमाल किया है। यह अत्यंत शक्तिशाली और विशाल है, इसी कारण इसे बाहुबली का नाम दिया गया है। इसरो के वैज्ञानिक सफलतापूर्वक दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा से आगे बढ़ा रहे हैं। मिशन शुरू होने के बाद चंद्रयान ने पहली बार पृथ्वी की अद्भुत और रोमांचक तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 ने ये तस्वीरें LI-4 कैमरे से ली है, जिसमें पृथ्वी नीले रंग की दिख रही है। यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग ये तस्वीर 17:32 की है। यूनिवर्सल टाइम समय मानक है जो पृथ्वी के घूमने की औसत गति को दर्शाता है। यह घड़ियों से नहीं बल्कि तारों को देखकर मापा जाता है। बता दें, पृथ्वी से चंद्रमा की ओर रवाना हुआ इसरो का मून मिशन चंद्रयान 2 लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से किया गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 का रोवर उतरने पर वहां पानी की मौजूदगी के बारे में चौंकाने वाली और काफी अहम जानकारियां मिल सकती है। दरअसल ताजा अध्ययनों में हमें यह पता चला है कि इस क्षेत्र में पहले के अनुमानों से कहीं अधिक मात्रा में पानी बर्फ के रूप में हो सकता है। चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का साक्ष्य सबसे पहले जुटाने वाला इसरो की योजना अब नए मिशन के जरिए वहां जल की उपलब्धता के विवरण और उसकी मात्रा की माप कर उन प्रयोगों को आगे बढ़ाने की है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव काफी ठंडा और काफी संख्या में विशाल गड्ढों वाला है। दरअसल क्रेटर कटोरे जैसी आकृति वाला एक विशाल गड्ढा होता है जो उल्का पिंड के टकराने, ज्वालामुखी गतिविधि या विस्फोट के प्रभाव से बनता है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान 22 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद 14 अगस्त से 20 अगस्त तक चांद की तरफ जाने वाली लंबी कक्षा में यात्रा करेगा। 20 अगस्त को ही यह चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद 11 दिन यानी 31 अगस्त तक वह चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। फिर 1 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ यात्रा शुरू करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।